भारत में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद 86,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इससे होने वाली मौत की संख्या 2,752 हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद में अब तक 30,153 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा फिलहाल देश भर में कोरोना से 53,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो यहां पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,500 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,576 नए मामले महाराष्ट्र से सामने आ गए हैं और साथ ही में यहां पर अभी तक 1,068 लोगों की मौत भी हो गई है। अकेले मुंबई में अभी तक 17,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां से अभी तक 9,674 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया और इसी के साथ 66 लोगों की मौत भी हो गई है।